हम ही को बोल रहा है, ये सब का पता नहीं क्या बिगाड़ लिए हम, हमारे पीछे पड़ लाता है सर, चुप 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 एकदम, अब कोई ले आई सोच रहा हमारे बारे में बतिया रहा था। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन में ना कुछ भी चीज क्या आता है, कुछ आवाज आपको सुनाई देगी, आवाज या फिर कुछ दिखाई देगा, बट रियल में वो नहीं होता है, रियल में वो होता नहीं है। कुछ आवाज भले सुनाई देगी और कुछ दिखाई देगा, बट रियल में वो होता नहीं है। रीजन क्या है कि ये आपके ब्रेन के अंदर कोई केमिकल इनबैलेंस हो जाता है, केमिकल कुछ ज्यादा कुछ खराब, ये डॉक्टर जानता है कौन सा दवा देना चाहिए और कौन सा नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम, लगभग लगभग 1% लोगों में ये चीजें देखी जाती है। तो जिसे लोग कहते हैं भूत पकड़ लिया है, एक दादी जी की आवाज सुनाई दे रही है, कुछ कुछ सुनाई दे रहा है, सर मेरे कान में आवाज सुनाई देता है, हमको बताइए, मेरे कान में आवाज आता है। दो चीजें, या तो आप कान के डॉक्टर से दिखाइए कहीं खोटी उठी तो नहीं बैठा है, और कान का डॉक्टर कहता नहीं कान ठीक है तो आप सिज़ोफ्रेनिया दिखाइए, आपको हेलुसिनेशन हो गया है। और हेलुसिनेशन में भी आपको ऑडिबल हेलुसिनेशन हुआ है, मतलब आवाज सुनाई दे रहा है। विजुअल हेलुसिनेशन में लगता है कोई भूत चला गया, कोई पर्दा पे चला गया, कोई परछाई गया, कोई कुछ गया, कोई चेहरा दे गया, रात में उठेगा पानी पीने के लिए डर जाएगा वहां कोई था, तो ये सिज़ोफ्रेनिया होता है, ठीक है। दूसरा होता है डेल्यूशन, डेल्यूशन, डेल्यूशन कई टाइप के होते हैं भाई साहब, डेल्यूशन में कई टाइप के डेल्यूशन होते हैं, इसका सबसे ज्यादा लोग शिकार हो जाते हैं डेल्यूशन में। डेल्यूशन अलग अलग इफेक्ट डालता है किसी के बॉडी में, जैसे इसमें होता है एक तो परसेप्शन डेल्यूशन, रिफरेंस डिल्यूशन, इनफर्टिलिटी डिल्यूशन, कई टाइप के होते हैं सर, तो हम उसकी कैटेगरी नहीं लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए परसेप्शन डेल्यूशन कई टाइप के होंगे सर, परसेप्शन, परसेप्शन के बाद रिफरेंस, इनफर्टिलिटी ये बीमारी है भैया, आप बस क्या याद रखोगे, डेल्यूशन, अब परसेप्शन हो गया, रिफरेंस हो गया, इनफर्टिलिटी, ये सब क्या चीज है। ये देखिए डेल्यूशन ऑफ परसेप्शन जो होता है ज्यादातर लड़कियों में देखा जाता है, और ये ज्यादातर देखा जाता है, ये क्या होता है इसको समझिएगा, इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे लोग, ये होता कैसे, जैसे मान के चलिए कि हमको, सपोज कीजिए हमको, हालांकि है नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे, हमें सिज़ोफ्रेनिया हो गया, और सिज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन ना हो के हमें डेल्यूशन हो गया, और डेल्यूशन भी तीन टाइप का होता है, और हमें अगर हो गया परसेप्शन वाला डेल्यूशन ना, तो अगर कोई दो आदमी बात कर रहा है और बात करते करते अगर हमको देख लिया तो हमको, हमारे दिमाग में एक चलने लगेगा, जैसे हमारे बारे में बतिया रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा होगा, हम ही को बोल रहा है, ये सब का पता नहीं क्या बिगाड़ लिए हम, हमारे पीछे पड़ लाता है सर, ये है वो है। अब हम उससे खुल के झगड़ा भी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया कि तू हमारे बारे में बात कर रहा था, अब वो पानी मांगेगा तो पी ले यहाँ पे, हमेशा बवाल होते रहता है, एक मतलब दूसरा आदमी हमारे बारे में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हमने एक परसेप्शन बना रखा है कि ये मेरे लिए सही है या मेरे लिए गलत है या क्या कर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं डेल्यूशन ऑफ परसेप्शन। समझ में आया कि नहीं, ये लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है, मान लीजिए आप दो आदमी बात कीजिएगा और कोई लड़की जाएगी ना तो उसे इशारा कर दीजिएगा, चुप 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 एकदम, अभी कोई ले आई सोच रहा हमारे बारे में बतिया रहा था, अरे बाप रे बाप, इसे क्या कहते हैं, ये भी सिज़ोफ्रेनिया का ही एक चीज है, लेकिन वो क्या है, डेल्यूशन ऑफ परसेप्शन है। ये कितने लोगों को है, लड़की लड़का सब में भी होता है, कई कई लड़का भी होता है, देहात में कहा जाता है मोग मेरा मेहरा है, मतलब आदमी है मेहरा लेकिन औरत का लक्षण है, किसको किसको है ये, कौन बोल रहा है यार, अननोन आदमी, तू कोट में आप हैंडसम लग रहे हो, ठंडा पड़ेगा कोट पहन लेंगे, अजब हाल है यार, तू लोग कमेंट करता है क्वेश्चन पूछना, 20 बार कमेंट पढ़ रहे, इग्नोर कर रहे हैं, मेरे को नहीं है, अरे किसी को होगा यार इन्फ्लुएंस। चलिए अब ये एक अगला क्या चीज आता है भैया, अगला आता है डिल्यूशन ऑफ रिफरेंस। रिफरेंस में क्या होता है, ये ससुरा बहुत इसमें समझ रहे हैं, इस रिफरेंस में क्या हो जाता है, शक हो जाता है, किसी भी आदमी पर शक हो जाएगा, आपको अपने दोस्त पे बिलीव नहीं होगा, शक हो जाएगा, ये गड़बड़ हमको धोखा देगा, ये आदमी ठीक नहीं है, उसका फोन बिजी आ गया, कहाँ थे हेंतन। देखिए याद रखिएगा डेल्यूशन ऑफ रिफरेंस कभी भी वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होता है, ये आपके करीबी रिश्तेदार के साथ हो सकता है, वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ ये नहीं होता है, वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ ये होता है। डेल्यूशन
डेल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी। डेल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी में वो व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी गर्लफ्रेंड पे कभी बिलीव नहीं करेगा, उसको लगेगा ये दूसर से फसल है। अगर फोन किया, फोन बिजी आ गया, अगला फोन जैसे उठेगा गरियाएगा, रे चट्टी कहीं की कहाँ बिजी थी, रे रे पगली कहीं की हाई हो, तो वो क्या हो जाएगा भैया, डेल्यूशन ऑफ इनफर्टिलिटी है, वो वाइफ और गर्लफ्रेंड में होता है। जिस व्यक्ति को ये होगा वो अपनी बीवी का जीना नरक कर देगा, वो बेचारी नहीं हर जाएगी 10 दिन के लिए, अगर 11 दिन रुक जाएगी तो कहेगा चट्टा कहीं की 10 दिन रुकल थी, एक दिन पहलका वाला से मिली होगी, हाई है हाउ है। तो जब अपनी ही पत्नी पर, पत्नी अरे पत्नी का अगर लाइसेंस नहीं है तो गर्लफ्रेंड है, उसका लाइसेंस बना दिए तो पत्नी, जैसे कैसे बंदूक है गैर कानूनी है, लाइसेंस बन गया तो आपका आराम से घूमिए, तो गर्लफ्रेंड का लाइसेंस बनवा लीजिए, पत्नी हो जाएगी बिना लाइसेंस ही है तो गर्लफ्रेंड, तो दोनों में तो ज्यादा का अंतर नहीं है, मतलब बात समझिए वहां पे। तो ये जो है ना, ये इनफर्टिलिटी भी शक का है और रिफरेंस भी शक का बीमारी है, लेकिन अगर पत्नी पे शक हो गया तो वो क्या है, इनफर्टिलिटी। ये न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की, आप देखेंगे पति पत्नी पे हमेशा झगड़ा होते रहता है हमेशा, अरे उन गधों को इलाज करा लो ससुरा, तो नहीं टेबलेट देगा आपको, आराम से दो तीन महीना खाइएगा, शांति से रह जाइएगा, यहाँ पर डिल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ऐसा नहीं है कि ये केवल लड़कों में होता है, लड़कियों में भी होता है। उस ससुरी अपनी हस्बैंड पे बिलीव नहीं करेगी, इसलिए देखिएगा हमेशा उल्टा सीधा लड़ते रहेंगे सब उसमें। आप देखिए ये एक ऐसी बीमारी है ना, ये मेंटली है, आपको शक है, रियल तो है नहीं। तो अब सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी पे शक है, तो थोड़े बोलेगा गिरे ते केकरा से फसल है, पहलका वाला से बतिया रही है, उसको कभी बोलेगा ही नहीं, नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर अंदर उससे एक टीस रखेगा, जिस वजह से उसको खाना दे, उसका चलने पे शक करेगा, किसी दिन बेचारी अच्छा से सज जाएगी तो शक करेगा, देखा आज कहाँ पे है, ये है वो है, जरूर कोनो के बोले ले है, आज ऑफिस ना चाहेंगे हम, बेचारा ये बीमारी है यार, ये सबको इलाज कराओ, आप लड़की हो या लड़का हो, ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये आपको दिमाग को बढ़ने नहीं देगा। हर लड़का को आज 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 लड़का लड़की में समस्या बहुत भयानक आ जा रहा है, सिजोफ्रेनिया बहुत बढ़ गया है यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए कौन सा सिजोफ्रेनिया, जाके कहेंगे सिजोफ्रेनिया, सीधे बोलिए भैया आपको अगर सिजोफ्रेनिया, अगर दूसरा कोई भी बोलता है आपको लगता है आप ही के बारे में बोल रहा है, तब ये परसेप्शन है, आपने गलत विचार दिया। अगर आपको अपने करीबी लोगों पर शक हो रहा है तो ये रिफरेंस है, और अगर अपने हस्बैंड या अपने वाइफ पर हो रहा है तो आपको इनफर्टिलिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे सिजोफ्रेनिया जिसको जिसको है, कोरोना अगर शांत हो जाए तो तुरंत जाके उसका इलाज करा दियो, वरना आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है सक्सेस होना। सिजोफ्रेनिया ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों की करियर बर्बाद कर दिया, आप देखेंगे अकेले में बात करेगा वहां पर जो ये है ना, ये इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, ये अकेले में बात करेगा, ये ऑडिबल रहेगा तो ऑडिबल इन्फ्लुएंस, वो अकेले में बात करेगा, कभी किसी को देखेगा ना अकेले में हंसेगा, हाँ अकेले कुछ बोलेगा वहां पर, तो ये भी किसका है, सिजोफ्रेनिया का ही है। इसमें अकेले में बात करना अकेले में वो क्या करेगा, बात करेगा, अकेले में वो उदास हो जाएगा, अकेले में रोने लगेगा वहां पर, तो ये सब क्या चीज है, अकेले में बात करना, अकेले रोना, अकेले हंसना, ये क्या है, सिजोफ्रेनिया है। और उसको ये बात पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, इसलिए अकेले में बात करता है, किसी का नजर पड़ जाएगा तो शर्मा जाएगा, बहाना करेगा, हाँ हाँ ठीक है, ये है वो है वहां पे, इसलिए वो आदमी हमेशा अकेले भागता है। आप देखिए कहीं शादी ब्याह में जाएगा ना, खूब भीड़ भाड़ देख लेगा, उसके बाद पैदल सड़क पे चल देगा कहीं, बतियाते हाँ ऐसा करेंगे ना फिर ये हो जाएगा, ऐसे ये वो सिजोफ्रेनिया का ये चीज आप लोग में है कि नहीं है, ये